अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर था जिसको हम पढ़ा रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग अल्कोहल फिनॉल बनाने की विधि और उसके भौतिक गुण को देखे। रासायनिक गुण और उपयोग बाकी है। ईथर की बात की जाए तो ईथर तो अल्कोहल फिनॉल के बाद पढ़ेंगे। अल्कोहल फिनॉल को साथ क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि दोनों में समूह एक ही है, OH समूह, हाइड्रोक्सी समूह। तो अल्कोहल फिनॉल के रासायनिक गुण की बात करें तो देखते हैं, जैसे अल्कोहल है और इसकी अभिक्रिया एक सक्रिय धातु से करा देते हैं, तो बार बार रिएक्शन में आप लोग देखे होंगे, सीखे होंगे, पहले भी मिला है कि भाई प्लस इसका और इसका माइनस अगर तोड़ते हैं, इसके प्लस और माइनस को तोड़ते हैं तो इसका प्लस उसके माइनस के साथ चला जाएगा, इसका माइनस इसके प्लस के साथ चला जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि केवल प्लस है, सोडियम पे तो प्लस होता है, तो ये क्या करेगा, इधर के प्लस के रिप्लेस करेगा, तो एच पर क्या होता है, प्लस, तो एच प्लस को रिप्लेस करेगा, तो एक एच का निकलना संभव नहीं है, गलत है। हाइड्रोजन डाइएटॉमिक होता है, डाइएटॉमिक होता है तो दो एच निकलने चाहिए, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम दो लगा लेते हैं। अब तो H2 निकल जाएगा भाई, तो क्या बचा, तो यहां दो H को यानी कि दो प्लस को रिप्लेस करेगा, तो यहां भी दो सोडियम चाहिए, दो लगा लेते हैं, तो यहां पे क्या बचा, R O N A, कितने, दो। लेकिन ये OH समूह को अल्कोहल कहते हैं, अगर इसका आप H हटा देते हैं तब तो अल्कोहल नहीं बचा, ये तो एल्काइल है, और एल्काइल अल्कोहल की बात करें तो एच तो है नहीं, अब आपने एच तो रिप्लेस कर दिया, किससे किया, सोडियम से। तो जैसे ही अल्कोहल था लेकिन इसके एच को आप रिप्लेस करेंगे तब तो बन गया ऑक्साइड, बचा केवल एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड बचा, एल्कोक्साइड में आपने क्या जोड़ दिया, सोडियम, इसका नाम हो गया सोडियम एल्कोक्साइड, बन जाएगा। हो सकता है कि आप कोई दूसरे धातु की बात करते हो तो कर सकते हैं भाई, अगर हम एल्युमिनियम से रिएक्ट कराने का कोशिश करें तो क्या होगा, एल्युमिनियम एल्कोक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम से कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम एल्कोक्साइड बनेगा। लेकिन यहां पे बैलेंस तो करना पड़ेगा, क्योंकि एल्युमिनियम की बैलेंस तीन होती है, तो इस पर तीन प्लस होगा, तो यहां से तीन प्लस को रिप्लेस करेगा, तो जैसे ही यहां तीन लगाएंगे तो आर ओ कितने बचेंगे, तीन, एल्युमिनियम कितना, एक, तो एक एल्युमिनियम कितने को पकड़ेगा, आर ओ को, कितने को, तीन को, ऐसे भी बना सकते हैं आप, आर ओ थ्री ए एल, जोड़ने की बात करें तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं, एल्युमिनियम है इधर जोड़ दें, इधर जोड़ दें, इधर जोड़ दें, कोई बात नहीं, तो ये बनेगा एल्युमिनियम एल्कोक्साइड, एल्युमिनियम एल्कोक्साइड। अगर आप मैग्नीशियम लेते, लेकिन यहां पर फिर देखिए हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करें भाई, तीन को एच थोड़ी निकलता है, एच टू में चेंज करने के लिए कितने लेने पड़ेंगे, छह, तो यहां पे थ्री एच टू हो गए, अब ये छह हुआ तो यहां पे दो लगा दें, दो एल्युमिनियम, ये टोटल कितने हो जाएंगे, दो, और ओ आर कितने हो गए, तीन, यानी कि यहां पे आप दो लगा सकते हैं, यहां पे दो लगा सकते हैं, तो ओ आर कितने हो गए, छह, छह तो हैं, छह हाइड्रोजन निकल चुके, एल्युमिनियम कितने, दो, बैलेंस हो जाएगा। अगर इस पर आप कंफ्यूज हैं तो एक दूसरा और देख लें, ये रहा अल्कोहल, मैं इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम से करा रहा हूं, मैग्नीशियम पर कितना प्लस होता है, दो प्लस होता है, तो ये कितने प्लस को रिप्लेस करेगा, दो को, इसको तोड़ेंगे तो कितना प्लस मिलेगा, एक, तो यहां मैं दो लगा दूं तो दो एच मिल जाएंगे, तो दो एच निकलेंगे, एच टू तो रिलीज हो गए, तो आर ओ कितने बचे, दो, लेकिन इसको दोनों को तो एक अकेला मैग्नीशियम काफी है भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं MgRO2, मैग्नीशियम एल्कोक्साइड बना। तो ये मत सोचेंगे कि अल्कोहल पर ही बना, बार बार कहते हैं कि अल्कोहल फिनॉल एक साथ पढ़ेंगे, यहां पर ध्यान दिया, ये फिनॉल है, अब इसकी अभिक्रिया सक्रिय धातु से करा देते हैं सोडियम से, इस पे प्लस होता है तो इसके प्लस को रिप्लेस करेगा, एक एच तो निकलेगा नहीं, एच टू निकलेगा, तो फिर हम इसे दो लगा लेते हैं, तो सोडियम कितने लेने पड़ेंगे, दो,
तो ये फिनॉल था, ये फिनॉल था, लेकिन आपने जब इसका एच रिप्लेस कर दिया तब क्या बचा? बेंजीन पर क्या बचा? ऑक्सीजन। फिनाइल पे क्या बचा? ऑक्सीजन। तो इसको बोलेंगे फेनोक्साइड। इसमें क्या जोड़ दिया आपने? सॉरी, सोडियम। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम फेनोक्साइड। ठीक है, एक कहानी और हो सकती है अगर आप रासायनिक गुण एल्कोक्साइड या फेनोक्साइड बनाना चाहते हैं तो हाइड्रोक्साइड से नहीं हाइड्राइड से रिएक्ट करा दीजिए। जैसे देखिए आर ओ एच अल्कोहल हो गया, इसका अभिक्रिया एन ए एच से करा देते हैं, सोडियम हाइड्राइड से। मैग्नेशियम हाइड्राइड का सूत्र क्या होगा? मैग्नेशियम पे दो प्लस होता है, इसको दो हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन तो आपने बाद में लिखा है, तब तो ये माइनस होगा, यहां भी बाद में है तो माइनस। क्यों? इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए से पहले लिखेंगे। और हाइड्रोजन इसके सापेक्ष इलेक्ट्रॉन निगेटिव ज्यादा है, इसलिए इसको बाद में लिखेंगे। पहले पता है जब हाइड्रोजन को बढ़ गए और बढ़ सकते दोनों मिल सकते हैं, हाइड्रोजन पर प्लस माइनस दोनों होता है। तो अब आप इसे तोड़ेंगे तो एच पर प्लस है, यहां भी एच पर, यहां के एच पर क्या है? माइनस। तो दोनों एच एक साथ चले जाएंगे तो आपके बैलेंसिंग की झंझट खत्म हो जाएगी। आर ओ एन ए सोडियम एल्कोक्साइड, मैग्नेशियम से कराएंगे तो फिर बैलेंस कर देंगे। तो इसी तरह फिनॉल पे भी तो करा सकते हैं आप, फिनॉल है, आप इसका अभिक्रिया सोडियम हाइड्राइड से कराए, दोनों एच एक साथ चला गया, बेंजीन के ऊपर क्या बचा? ओ एन ए सोडियम फेनोक्साइड, सोडियम फेनोक्साइड। लिख सकते हैं अल्कोहल के जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें से कुछ केमिकल प्रॉपर्टी आपको पहले चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स में मिला है, जिसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर कोई परेशानी है किसी टॉपिक पर तो बोलेंगे तो फिर से समझा देंगे। तो जैसे हम बात करें अल्कोहल का, तो एक रिएक्शन देख लेते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करा के देख लेते हैं। एक्स के जगह पर क्या ले सकते हैं? सीएल और बीआर मोस्टली, एफ और आई नहीं लेते, जिसकी जानकारी दे चुका हूं। तो तोड़ लेते हैं भाई, प्लस माइनस प्लस माइनस, आर पे प्लस और एक्स पे माइनस, अल्काइल हैलाइड बन गया और पानी निकल गया। अब ये जरूरी थोड़ी है कि यही होगा भाई, एक कार्बन का अल्कोहल हो बाकी पे हाइड्रोजन हो, अगर इसकी अभिक्रिया HCl से ही कराते हो। ये तो फॉर्मेट है, यहाँ R के जगह पर जितने कार्बन का मन करे आप अल्काइल ले सकते हैं। अल्कोहल के पोजीशन को भी बदल सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों ले सकते हैं। तो फिर से आप चेक कर रहे हैं, माइनस बाकी पे तो प्लस बचेगा, ये प्लस माइनस एक साथ चला गया, क्या बचेगा भाई? यहाँ पे सीएल लग जाएगा। अब आपको कोई ये रिएक्शन दे दे, बताए हैं कि अल्कोहल के बहुत सारे रिएक्शन हेलो एल्केन्स बनाने में आपको मिल चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज हो रहा है आपका, वो एच पे माइनस होता है, एच पे प्लस होता है, निकल जाएगा तो बचेगा क्या? यहाँ पे क्या बचा? बी एल माइनस। तो ये माइनस इस माइनस को रिप्लेस किया, बाकी पानी तो निकल जाएगा, बाकी पे हाइड्रोजन बढ़ सकते हैं आप। अब ये आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हेलो एल्केन प्राप्त तो हुआ, बना ना, तो इसके बनाने की विधि में आप इस रिएक्शन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन रिएक्शन कर कौन रहा है? अल्कोहल। तो अल्कोहल के रासायनिक गुण में भी इस रिएक्शन का उपयोग आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, मिला हुआ है ऑलरेडी आपको। अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराते हैं, क्या होगा भाई? यहां पे कितने क्लोरीन मिलेंगे? तीन। यानी कि एक क्लोरीन पे एक माइनस होता है, तो तीन क्लोरीन पे कितने माइनस हो गए? तीन। तो एक फास्फोरस पर कितना प्लस हो गया? तीन। इसको तोड़ लिया, प्लस और माइनस, पहला प्लस और दूसरा माइनस, ओ एच पर एक माइनस, आर पर एक प्लस, ध्यान दीजिए आप। अब क्या होगा?
इसका माइनस किसके साथ जाएगा, इसके प्लस के साथ, लेकिन यहाँ प्लस कितने हैं, तीन, तो इसको कितने माइनस की रिक्वायरमेंट है, तीन की, मैं यहाँ तीन लगा लेता हूं। जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ रहा है, बुद्धि बढ़ रहा है, उस हिसाब से मैट्रिक में पढ़ते थे रिएक्शन को बैलेंस करना, गिन के बैलेंस करते थे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो तीनों अल्काइल पे तीन प्लस, तीन क्लोरीन पे तीन माइनस, तो थ्री RCl अल्काइल हैलाइड बन गया। P अकेला रहा, इसको ये कितने वो इसको पकड़ेगा, तीनों को, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसे कहते हैं फास्फोरिक अम्ल। दोनों तरीके हैं लिखने के। वही अगर अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराई जाए PCl5 से, तो इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था, इनऑर्गेनिक में मिला होगा, फिर से मिलेगा आपको, लेकिन मैंने जरूर बताया था, पिछला वीडियो आप देख लेंगे, कि PCl5 में दो क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड से लूजली हेल्ड अप होते हैं। तो जैसे ही PCl5 को गर्म करते हैं, ये 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि PCl5 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, दो बार आया भी है BACB में। तो PCl5 को गर्म करेंगे तो दो क्लोरीन देगा, चलिए इसमें से मैंने दो क्लोरीन निकाल लिया, कितना बचा, PCl3 बचा। तो जब आप इसमें से दो माइनस निकालते हैं तो जो बच गया उस पर तो दो प्लस होंगे, तो बॉन्ड कौन सा डिसोसिएट होगा। तो भाई देखिए, एक ऑक्सीजन पर दो माइनस होता है, एक हाइड्रोजन पर एक प्लस, तो इसके माइनस को बैलेंस करने के लिए एक प्लस इधर होगा, तो दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसका माइनस कहां जाएगा, इस प्लस के पास, इसका माइनस कहां गया, इस प्लस के पास, इसका प्लस कहां जाएगा, इसके माइनस के पास। अब आप जोड़ के लिख दीजिए, RCl HCl और POCl3 बन गया। क्या बना भाई, अल्कोहल का रासायनिक गुण। एक और अल्कोहल है, इसके अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड से करा दी जाए तो क्या होगा। देखिए सारे रिएक्शन एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद तो होते ही हैं, उनमें अभिक्रिया अलग तरीके से बॉन्ड टूटने के साथ होता है, उसको तो आपको रिमाइंड करना पड़ेगा। खैर यहां तो पता है कि दो क्लोरीन यहां से हमको मिलेंगे, तो दोनों क्लोरीन पे एक एक माइनस, दो माइनस हो गए, तो यहां क्या बचा, SO, तो इस पर कितने प्लस है, दो, इसको तोड़ लेते हैं, ऑक्सीजन पर दो माइनस होता है, तो एक प्लस इधर और एक प्लस इधर, बॉन्ड तोड़ लीजिए भाई, इसका माइनस इसके प्लस के साथ, ये माइनस इस प्लस के साथ, और ये प्लस इस माइनस के साथ, जोड़ लीजिए। अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनाइल क्लोराइड से कराते हैं तो अल्काइल हैलाइड देता है, रिएक्शन पूरा हो जाएगा। अल्कोहल की अभिक्रिया एमीन से कराई जाए, एमीन अमोनिया, अमोनिया NH3 है, लेकिन जैसे ही एक हाइड्रोजन देगा तो ये एमीन में चेंज हो जाएगा। एमीन चैप्टर आपको अलग पढ़ना भी है, वहां पे इसकी डिटेल जानकारी दी जाएगी। फिलहाल आप देख लीजिए यहां से हमें क्या मिलेगा, H मिलेगा, नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है, तीन, तो ये अगर H देगा तो इधर से रिक्वायरमेंट किस बात का होगा, OH का, माइनस की खोज होगी, तो प्लस माइनस तोड़ लेते हैं, यहां से H मिला, यहां से OH मिला, पानी निकल गया, तो क्या बचा, RNH2 प्राइमरी एमीन्स। ये रिएक्शन रुकता थोड़ी है, फिर अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, RNH2 रिएक्ट किया, क्या होगा भाई, एक OH और एक H फिर निकलेगा, अब कितने R हो गए, दो NH, मतलब अमोनिया के सूत्र में नाइट्रोजन के पास तीन हाइड्रोजन थे, पहली बार अल्कोहल ने रिएक्ट किया तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अल्काइल स्वयं आ गया, दूसरी बार पुनः रिएक्ट किया तो अल्कोहल ने एक हाइड्रोजन को पुनः रिप्लेस किया, एक अल्काइल और आ गया, अभी इसके पास एक हाइड्रोजन और है,
तो ये प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी है, अगला टर्शियरी बनेगा। एमीन की चर्चा बाद में की जाएगी, अभी आप अल्कोहल के रिएक्शन पर ध्यान दें। पुनः रिएक्ट करेगा R2NH से, फिर OH और H रिप्लेस होगा R3N, टर्शियरी एमीन। क्लियर? तो इतना को देखा, फिर अगले क्लास में।